एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है महाराष्ट्र के भंडारा से। यहाँ एक अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक की थी। ये आग रात करीब 2 बजे लगी और इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वार्ड में भर्ती बच्चों को बाहर नहीं निकाला जा सका और इस वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। 7 बच्चों को बचा लिया गया, उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन मातम का माहौल छा गया। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इनकी उम्र 1 से 2 महीने से लेकर 10 महीने तक की थी। स्वास्थ्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। 10 नवजातों की मौत का आखिरकार गुनाह कौन है? बहुत ही दुखद घटना है। स्वास्थ्य मंत्री भी इस पूरे मामले में जानकारी ले रही हैं। जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दे चुके हैं, लेकिन 10 मासूमों को वापस नहीं लौटाया जा सकता। मंत्री जी ने इस पे उच्च स्तरीय चौकसी की दे दी है, आदेश दे दिए है। और मैं यहाँ पे जब देखा सुबह सुबह आके, तो यहाँ पे एक तो समझ में आया है कि यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से और दुर्लक्ष होने की वजह से, तो हम तो कहेंगे कि सीएस की यहाँ पे कमांडिंग नहीं है। मैं बार बार उनको बोलते आया हूँ कि अभी जो हेड होता है उसकी कमांडिंग रही तो नीचे तक कमांडिंग अच्छी रहती है, और आईसीयू एनआईसीयू बोलो तो अति दक्षता इसमें होता है। ऐसे इसमें ये 1 नहीं 10 यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, तो जरूर इनको सस्पेंड होना चाहिए। और यहाँ पे जो काम करने वाला कॉन्ट्रेक्टर है या उसको अप्रूव करने वाला जो अधिकारी है, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। भंडारा हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भंडारा जिला अस्पताल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दर्द को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आज मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा।